हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एरो इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। हाँ, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गया, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई है। अभी एक मैं दिखाना जा रहा हूँ, टाटा कंपनी ने एक टाइगोर ब्रांड, जो टाइगोर मॉडल है कार का, वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कार है, ये ई कार है। तो सबसे बड़ी बात तो ये दिमाग में आती है जब सुनते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक कार है तो इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरह, इलेक्ट्रिक रिक्शे की तरह ये घर में चार्ज होगा या कहाँ पे चार्ज होगा इसकी बैटरी जो है वो, सेकंड नंबर पे कितनी माइलेज देगी, कितनी चलेगी। तो आओ आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, इसके पॉइंट्स नोट आउट कराता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये टाटा कंपनी ने जो अपना फर्स्ट मॉडल, इलेक्ट्रिक मॉडल जो लॉन्च किया है, टाइगोर मॉडल, तो ये कार है। तो ये बैटरी पम्प है, तो डीजल पम्प, पेट्रोल पम्प ने आपने सुना होगा, ये तार जा रही है, ये कंट्रोलर में जा रही है सीधा वायर, कंट्रोलर से ये जो है इसका पाइप जो है इलेक्ट्रिक पाइप है, ये डायरेक्ट इसकी बैटरी चार्ज कराए, जहाँ की बैटरी चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है इसका। तो इस तरह से यहाँ पे जो है चार्ज हो रही है कार, इसकी बैटरी चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे इस तरह के जो बैटरी पंप्स है काफ़ी लगे हैं। ब्लू मोबिलिटी एक कंपनी है, कैब कंपनी है, जिसने ये जो ई वर्जन है, ई इलेक्ट्रिक कार वर्जन है, काफ़ी कार्स खरीदी हैं, जो ये सर्विस दे रही है दिल्ली और नोएडा में। तो ये सर्विस दे रही है, तो इनके जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर को हम पूछते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है डीजल पेट्रोल गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी से। तो आओ इनसे जानते हैं, कुछ इनको क्वेश्चंस पूछते हैं। जी सर, ये ई कार जो है, टाटा टाइगोर की ई कार है, ये कितने किलोमीटर सर चल जाती है एक बार हम बैटरी बैकअप कर, मतलब फुल चार्ज कर लेते हैं? 160 किलोमीटर चलती है विदेशी, और एक से डेढ़ घंटे में हमारी फुल चार्ज होती है। 1 से 1.5 घंटे में ये फुल चार्ज होती है, और 160 किलोमीटर ये चलती है विद एसी चलती है। तो 1 से 1.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। और इसकी कोई मेंटेनेंस या इसके जो पंप हैं, जो जहाँ से चार्ज करते हैं, वो नॉर्मली कितने यहाँ पे पंप लग चुके हैं अब तक? नॉर्मली हमारे दिल्ली में कम से कम 300-400 पंप लग चुके हैं। दिल्ली में 300-400 पंप दिल्ली में लग चुके हैं। तो इसका मतलब अब तो इसकी काफ़ी सेल बढ़ गई होगी, क्योंकि अभी नई नई लॉन्च की है टाटा ने जो ई कार है। सेल हमारी इतनी है सर, ये अभी हमारे को कैब जो मिल रही है, वेटिंग में कैब मिल रही है हमारे। अच्छा, अभी वेटिंग में कैब है ये? हमने 300 कैब बुक किए हैं, और हमारे पास में अभी 75 कैब, यानी कि जो अभी आप यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट की तरफ से ई कार लॉन्च हुई है, जो यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं टैक्सी के तौर पे, या ये पर्सनल मतलब हमारी कंपनी है ये? अच्छा, ये ब्लू स्मार्ट मोबाइलिटी, ये जो आपकी नई कंपनी है, ये टैक्सी कंपनी? यस सर। ओके जी, ओके। तो ये बुकिंग का काम करती है, पिकअप ड्रॉप करती है। ओके 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 ओके। तो आपको इसकी कैसे है, मतलब इसकी जो है सर्विस परफॉर्मेंस कैसे लगी? कुछ डिफरेंट है इसमें कि ये जो ई कार और जो नॉर्मल डीजल कार है उससे कोई डिफरेंस है इसमें? बहुत डिफरेंस है। ओके, ये फुल ऑटोमेटिकली है। ठीक है, दूसरा ब्रेक है। इसकी पिकअप में कोई डिफरेंस नहीं आता? कोई पिकअप में डिफरेंस है सर। ओके, इसमें डिफरेंस इतना है कि अगर आप बराबर में कोई मतलब हो, आपकी शिफ्ट हो गाड़ी जी, उसको चला लो तो ये आगे रहेगी, ये उससे आगे रहेगी। आपके कहने का मतलब है जो डीजल कार है उससे ज्यादा पिकअप है इसकी? पिकअप ज्यादा है इसका, पिकअप ज्यादा है जी सर। ओके, तो प्लस पॉइंट ही दिया है टाटा ने जो बैटरी वाली कार निकाल के। ओके, और बाकी के कोई और फीचर, फादर कोई और फीचर जो आपको लगा हो डीजल से अच्छा है इसका? ओके जी, और बस वो केयर वगैरह, पंचर वगैरह, या व्हील अलाइनमेंट बैलेंस, ये तो चलो नॉर्मल है, तो डीजल पेट्रोल गाड़ी में भी होता है। बिल्कुल सर। ओके ओके, चलो बहुत, एक बार चार्ज करते हैं तो मैक्सिमम हमारा 200 की समथिंग इसमें आता निकल जाता है। बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कार निकाली है, एक बड़ा अच्छा स्टेप है जो टाटा ने निकाला है। क्योंकि अगर अभी टाटा ने एक ये कार लॉन्च कर दी है, तो देखा देखी में और कार भी जो है, और ब्रांड्स हैं, वो भी निकालेंगे अपनी जो ई कार्स हैं। चलो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच आपके, आपसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।